बीजेपी ने झारखंड में अपने सबसे ईमानदार छवि के नेता सरयू राय को खो दिया है। जी हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने वाले सरयू राय ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। इस मौके पर सरयू राय ने शायराना अंदाज में अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया। वहीं जमशेदपुर की जनता के दर्द को आवाज भी दी। उन्होंने कहा कि वो जमशेदपुर की 86 बस्तियों को नियमित करने के लिए संघर्ष करेंगे। राय ने बताया कि सरकार में रहते हुए भी इसके लिए आवाज उठाई थी। यार जाएंगे, सामने आएगा, सबसे पहले तो आप ही के सामने आएगा, बातें आएंगी। 86 बस्तियों को मालिकाना हक देने के बारे में मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ कि कानून बना कर दिया जा सकता है। कानून बनाने के लिए जब मैं पहली बार विधायक था 2007 में, हमने निजी विधेयक पेश किया था, मालिकाना अधिकार विधेयक, लोगों ने समर्थन नहीं दिया। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की 1731 बस्तियों को कानून बनाकर नियमित कर दिया, कैबिनेट ने पास कर दिया, वहाँ के अफसर काम कर रहे हैं इस पर, और कल परसों से जो संसद का सत्र होगा उसमें विधेयक जाकर ये कानून बनेगा। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि उसी वैसा ही कानून हम यहाँ भी बना दें। तो समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बना दिया कानून, और हम कहते हैं कि हम नहीं दे सकते हैं साहब। सीएनटी की बात कौन उठाया? सीएनटी मुद्दा क्यों बना? किसी ने कहा तो नहीं कि सीएनटी को कोई मुद्दा बनाए? तो हर बात में सीएनटी को लाना ये ठीक नहीं है, एक तबका इसको बहुत ख़राब मानता है। तो जैसा कानून प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया वैसा ही कानून यहाँ भी बन जाए, और जब प्रधानमंत्री विधेयक पेश करने वाले हैं तो मैंने अपने सचिवालय को कह दिया, एक ऑफिस खुल रहा है, आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए। मैं मिलकर उनको कहना चाहता हूँ कि इस देश में कानून बने तो पूरे देश के लिए बने। दिल्ली की बस्तियाँ नियमित होंगी और जमशेदपुर की बस्तियाँ अवैध खतियान लेकर कांख में घूमते रहेंगी, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री से मैं कहूँगा कि बनाइए कानून आप। जब संसद कानून बना रही है तो कानून केवल दिल्ली के लिए नहीं होना चाहिए, वह कानून जमशेदपुर के लिए भी होना चाहिए, धनबाद, रांची, सबके लिए। वहीं सरयू राय ने 2 सीटों से सोमवार को नामांकन भरने का ऐलान कर दिया है। राय ने बताया कि वो जमशेदपुर पश्चिमी और पूर्वी सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की आम जनता उनके साथ खड़ी है। इसी परिस्थिति में अपने पार्टी की प्रतिष्ठा को देखते हुए और पार्टी के नेताओं पर कोई आँच निर्णय पर नहीं आए उसको देखते हुए मैंने तय किया है कि मैं जमशेदपुर पूर्वी से कल नामांकन भरूंगा। अब हमारे जो कार्यकर्ता 14-15 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ बैठा, उनकी राय है कि नहीं, जमशेदपुर पश्चिम से भी आपको नामांकन करना चाहिए। जमशेदपुर पश्चिम का चुनाव हमारे कार्यकर्ता इस क्षेत्र के लड़ेंगे और जमशेदपुर पूर्व का चुनाव वहाँ की जनता के साथ मिलकर मैं लड़ूंगा। इसलिए आज तय हुआ है कि दोनों ही जगहों से हम कल नामांकन करेंगे। सभी मुद्दे जनता के मुद्दे हैं और जनता के बीच जाने का अवसर आया है तो सभी मुद्दों को तो मैं रखूँगा। मैंने क्या कहा है और जो कहा है उसमें से एक भी गलत है, 1% भी गलत है या अतिरेकपूर्ण है, एग्जैगरेशन है, तो आप बता दीजिए। तथ्य है, लोग जवाब दे देंगे, बताएंगे जिनको जवाब देना होगा। जो नहीं जवाब देंगे, कन्नी काटेंगे तो जनता उनसे पूछेगी कन्नी क्यों काट रहे हैं। नहीं, पश्चिम में कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम इसी कमान संभालेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमने संगठन बनाया है बूथ स्तर तक का। तो अगर वो ये भाव जीमा लेते हैं तो हमको उनकी बात मानने में कोई एतराज नहीं है। आप पूर्वी में संभालेंगे, ज़्यादा समय वहाँ देंगे? पूर्वी वहाँ के लोग ही संभालेंगे, मैं तो एक प्रतीक के रूप में रहूँगा और पूर्वी के लोगों ने हमको आश्वस्त किया है कि हम वोट भी देंगे और नोट भी देंगे, आपको पैसे की चिंता नहीं करनी है। सरयू राय ने सीधे मछली की आंख पर निशाना साधा है। जहां सरयू राय ने अमित शाह के चहेते रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जमशेदपुर पूर्वी सीट से मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ सियासी संग्राम के ऐलान से सियासी पारा चढ़ चुका है। वहीं राय ने कहा कि आम जनता उनके साथ खड़ी है। राय ने कहा कि आम जनता ने उन्हें नोट और वोट दोनों ही देने का भरोसा दिलाया है। किन होता है तो कोई, मैं थोड़ी फिगर हूं वहां के लिए, चार लोग हैं तो चारों में मैं भी एक हूं। पहली बार आप मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो भी काफ़ी विरोध होने के बाद, टिकट नहीं मिलने पर, अब आपको सोच पूर्वी से लड़ने का, तो क्या जनता वहाँ की आपको चाह रही है? कल मैं थोड़ी देर के लिए गया था, जो भी जनता मिली उस जनता ने हमको बताया कि वोट भी देंगे नोट भी देंगे।
अब मैं नामांकन करूंगा तभी तो भरोसे के साथ कहूंगा उनको, नामांकन करने के बाद जाऊंगा क्षेत्र में घूमूंगा तो खुद पता। वहीं सरयू राय ने कहा कि अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन और सुदेश महतो युवा नेता हैं। उन्होंने कहा कि तीनों नेताओं पर जनता भरोसा कर सकती है। राय ने कहा कि तीनों ही नेताओं के रहते हुए राज्य का भविष्य उज्जवल है। मैं नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था कि तीन जो नेता हैं इस राज्य में, ये तीनों अभी युवा हैं, तीनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, तीनों अनुभवी भी हैं, युवा भी हैं, इसलिए इस राज्य का भविष्य उनके कंधों पर रहकर सुनिश्चित है, सुरक्षित है। ये युवा होने के साथ परिपक्व भी हो गए हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, सुदेश महतो जी हैं, हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, ये तीन ऐसे नेता हैं जिन पर जनता भरोसा कर सकती है, इस राज्य का भविष्य, राज्य की तकदीर ये बदल सकते हैं। सरयू राय ने कहा कि वो कोई ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जनता को शर्मिंदा होना पड़े। उन्होंने शायराना अंदाज में मुख्यमंत्री रघुवर दास को करारा जवाब दिया। पसीना भी गुलाब था, अब तो इत्र भी मलते हैं तो खुशबू नहीं आती। इसके लिए सबके लिए है, समय मजबूत होता है ना, समय बलवान होता है। सर, चुनाव के समय किसी को जनता को मैसेज देना चाहेंगे? चुनाव के पर्व में जनता से हम लोग रूबरू होंगे। मैं ही कहूँगा कि मैंने केवल एक वादा अपनी जनता से किया है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी कि हमारे प्रतिनिधि ने ऐसा किया। और जब हम काम करते हैं तो काम करने में कुछ गलतियाँ भी होती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि चमन को सींचने में पत्तियाँ कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम है मुझ पर चमन से बेवफाई का, जिन्होंने रौंद दिया खिलती कलियाँ अपने पैरों से, वे करते हैं दावा आप चमन की रहनुमाई का। सर, कितना स्वस्थ है आखिरी में दोनों सीट के लिए आप? कोई आश्वस्त, जब आदमी चलता है ना तो हम हानि लाभ की का कैलकुलेशन करेंगे तो कदम ही नहीं बढ़ा पाएंगे। कदम बढ़ गया है, कारवां बनेगा, जो नतीजा आएगा स्वीकार होगा। सरयू राय का बीजेपी से जाना ये साबित करता है कि वाकई में इस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बदल चुका है। इतना तो तय है कि सरयू राय बीजेपी से अलग होकर भी अपनी पहचान कायम रखेंगे, लेकिन बीजेपी को सरयू राय जैसा ईमानदार और कमिटेड लीडर झारखंड में नहीं मिल पाएगा। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास के सामने एक ऐसा योद्धा खड़ा हो गया है जिसने झारखंड में बीजेपी को खड़ा करने में बड़ी भूमिका अदा की थी। हो सकता है कि कहीं शिबू सोरेन की तरह रघुवर दास को भी चुनाव में शिकस्त न झेलनी पड़ जाए। इतिहास गवाह है कि चुनाव हारने के बाद अर्जुन मुंडा की सीएम पद पर दावेदारी खत्म हो गई थी। ऐसे में बदले माहौल में रघुवर दास को अपने सियासी करियर की चिंता तो जरूर सता रही होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।